उसके हाथ पे किस करिए लड़की। तो गाइस वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। कल का व्लॉग मैं बंद करना ही भूल गया, मुझे इतनी नींद आई हुई थी। किसने करा कल का व्लॉग बंद? किसने करा भाई? किसने करा है? मुझे कह रही आपको पता नहीं है करना होता है व्लॉग एंड ये वो, आपको पता नहीं है काम था कल ये व्लॉग एंड करना। मेरी बिल्ली मुझे म्याऊ करती है, मैं इसे बोलता हूँ कि ना कुछ बोल लिया कर, कुछ बोल लिया कर। वाह पिंकू जी वाह। तो मैं जो काम करती हूँ तुम उसकी अप्रिसिएशन नहीं करते, इसलिए मैं कुछ करती हूँ। व्लॉग गवाह है, वीडियो गवाह है, तुम्हारी कितनी अप्रिसिएशन करता हूँ, कुछ बनाती हो ये वो सब कुछ चीजें। और तुम कुछ भी दिखता है ना, ये झूठ मत बोलो। अच्छा डैब तू बता क्या सच है। इतने झूठ इतने झूठ, इतने मर्जी सुन लो यहाँ से। डैब जल्दी बता क्या सच है। डैबू मेरा प्यारा डैबू। डैब किसकी साइड है? डैब तो हमेशा पापा की साइड ही रहेगा। क्या मैं हमेशा पापा की साइड रहूंगा? तुम निकलो फिर, तुम निकलो, तुम यहाँ से निकलो फिर। चलो आज हम दो दो मार्केटें कवर करेंगे। एक किनारी बाजार होता है, अगर लड़कियां कोई भी ये काम करती है स्विंग वगैरह या कुछ ऐसा, तो उनको उनके लिए बेस्ट है वो किनारी बाजार, उसमें बहुत सारा स्टफ मिलता है। और एक एक बाजार हम पहले ही घूम के आ चुके हैं, तो वो वाले बाजार में जाएंगे। पेपर वेपर लेना है गिफ्ट रैप का। यहाँ क्या कर रहा है यार, डांस क्यों नहीं कर रहा? बाहर ढोल बज रहे हैं। इसको आज मैंने कहा बोल ले क्या, बोल ले क्या है, सीख लिया इसने। इधर आ, गिव मी द बॉल, गिव मी द बॉल। हमारा जो प्रोग्राम था दर चांदनी चौक वगैरह जाने का, वो तो कैंसिल हो चुका क्योंकि संडे को बंद होता है, हमें पता ही नहीं था। तो अभी हम जा रहे हैं डैब को लेके पिकनिक पे। कहाँ पे जा रहे हैं हम? कहाँ? लोधी गार्डन। हम पहले एक बार लेके गए हुए, इसे नन्नू भी लेके गया था, अमन मेरा भाई है जो। तो आज फिर डैब जाएगा पिकनिक पे, और पिंकू जी अपने फ्रूट फ्राट काट लिए हैं, इन्हें पहले तैयारी कर ली है अपनी पिकनिक की। करी वहाँ पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं तो करूँ, क्या मिलती है? शक्करकंदी मिलती है, और इसके आसपास एक और रेस्टोरेंट वगैरह भी तो हैं। पागल कर दिया इसने, ये इसका पहला मल्ला है, यहाँ ये पैदा हुआ है उस घर में। फिर ये लेके आए, फिर ये इस मल्ले में पूरा घूमा है इन कुत्तों के साथ, सबके साथ। ये बचपन में इनके साथ ही तो घूमा है, यहाँ कारों के नीचे पड़ जाता था, इतना मुश्किल होता था जैसे कार के नीचे पड़ गया, भाग गया साला, भागता तो इतना है। तेरी सासू माँ के घर में कहाँ कहाँ बैठ गया भाई, ये नहीं है जान नहीं जाना। क्यों थक रहे हो? ये इसका दोस्त है डैब, डैब तेरा दोस्त आ गया बचपन का। इसको सेल्फिश से गिर गया। डोम डोम कौन है? इसको तंग करता था ये। नहीं भागूंगा यहाँ से, नहीं भागूंगा यहाँ से, भागूंगा नहीं। मैं ना तुमने लड़ा पाया, मुझे लड़ताऊंगा बड़ा, सीधा मारूंगा साले। ओए डैब ठंडा हो गया ना, इन्हें थक गया ना, थोड़ा ठंडा हो गया, थका के बिठाना चाहिए इसे कार में। अब लोधी गार्डन जाएगा, घूमी घूमी करेगा, डैब घूमने जा रहा है आज, मजे आ रहे हैं। ओहो भाई साहब, जो ये स्कूटी पे बैठ के चीके मारता ना, ये बचपन में ऐसे करता था। बचपन में ना इसको जो आगे बिठा लो तो ठीक है, जो पीछे बिठा दिया किसी बंदे ने हाथ में पकड़ लिया, ऐसे चीके मारता किसी को कुत्ता उठा लिया हो जैसे। चिल्लाता कि मेरे इलेक्शन में खड़ा कर। कालू मदारी आया, काला अपना भालू लाया, काला अप... ज्यादा ही खुश हो रखा आज। देखो पागल हो गया, मेरे पंजा मार दिया साले ने। यहाँ डॉग्स वॉग्स अलाउड होते हैं, आप डॉग्स ला सकते हो अपने, खेल सकते हो, बहुत बड़ा पार्क है, मंकी भी होते हैं यहाँ पे।
आज संडे के कारण इतना रश है ना, इतना रश है, गाड़ियां ही गाड़ियां सड़कों पे खड़ी करनी पड़ रही हैं। बताओ ये देखो कैसे दोनों मम्मी पापा, मम्मी और डाबा एंजॉय कर रहे हैं। डाबी एंजॉय कर रहे हैं, डाबी एंजॉयिंग, इन्हें पकड़ रखा खींच के कि भागे ना। और क्या, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा। यहाँ पे पीछे इंटरव्यू भी चल रही है पिंकू जी, पिछली साइड वो देखो इंटरव्यू चल रही है यहाँ पे, और हमारा डैब घूम रहा है। आई लोग कुत्ते नहीं लेके आए ज्यादा, ये तो आधा थक चुका है भाई, थक चुके हो नहीं। हम यहाँ पे आराम से चक्कर बिछा के पिकनिक मनाएंगे, ज्यादा समझ आ रहा है ना। मैं सोच रहा हूँ मैं स्विगी से कुछ मंगा लूँ, ये सामने ही डैब सेट हो जाओ, आज इंजॉय करते हैं, बैठो सेट, चलो सेट, चलो सेट। बढ़िया वैसे नहीं पिंकू जी, यहाँ पे मुझे नहीं पता था आप पिकनिक बनाओगे यहाँ बैठ के, मैं तो चद्दर ऐसे ही ले आई। ला क्यों खिली खिली यूं सवर सवर, जाने जिगर तुम चली कहाँ। मेरी बीवी खाना नहीं लाई, अपना लाई है। इस ये ना अपना अपने फ्रूट खाने थे तो लेके आई है, मैं घर में सब पड़ा है, वो कुछ नहीं बना के लाई है कि मेरे को याद करा दे कि यार पिकनिक पे जाना है तो आप क्या खाओगे। बाकी कोई नहीं, मैं तो स्विगी से मंगा ही लूँगा, अपने फ्रूट काटने सबको याद रहते हैं, अपना अपना ही याद रहता है सबको, शादी के बाद भी मुझे अपना भी अपना याद रखा करूँगा। आज मैं इसका इतना ख्याल रखता हूँ, कहाँ जा रही हूँ बेटा, ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी खा लो, खा लिया तुमने खाना, वाह क्या सीन है। चलो डैब की पिकनिक स्टार्ट करते हैं पाइनएप्पल से, खा ले बेटा पाइनएप्पल। नो गॉड प्लीज नो नो, डैबी पाइनएप्पल नहीं खा रहा, ये नहीं खा रहा, इसको मजा आ रहा है साइड में सीन देखने में। बाहर आके कोई चिक्कर नहीं से, बाहर आके किसी चीज को मुंह नहीं लगाता, पानी पिला दो और मुझे देखने दो, इधर उधर मजे करने दो, है ना डैब। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। अभी ने डोमिनोज पिज्जा ऑर्डर कर दिया, ये स्विगी से ज्यादा ना डोमिनोज की ऐप पे करो सस्ता मिलता, पता है 250 का डिस्काउंट मिला मुझे, 250 का। और पिज्जा कितने का है? पिज़्ज़ा 500-600 रुपये का था, तो मैंने तो मतलब कोल्ड ड्रिंक भी ऑर्डर करी, तो 250 का डिस्काउंट मिल गया मुझे। तो देख रहे हैं लोगों को आते जाते हैं, कभी इधर बैठ जाते हैं कभी उधर। ढूंढी भाई ढूंढी, कुछ मिला? मिला भाई, हमें तुम्हारी लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा। आपको मजे आ रहे हैं फुल, है ना, आई डोंट नो, ही इज गेटिंग ऑल द अटेंशन इन द वर्ल्ड, है मोटे। हमने पिज्जा मंगा रखा कम से कम, नहीं तो 40 मिनट हो गए आया ही नहीं, हमें फायदा भी हो गया उनको, 250 वो डिस्काउंट मिल गया, उन्होंने और कर दिया रिफंड। हां कितना क्यूट है, कम कम मेरे पास ये सूट है, क्या करेगा फ्रेंड। मिल गया, मिल गया, ढूंढते थे जिसे मिल गया। यार उन्होंने लेकिन वो नहीं भेजी आज, कैचअप ही नहीं है बेटा, फ्री की चीज ना ऐसी होती है, फ्री नहीं है ये, पैसे लगे थोड़े से, पैसे उसने दिए हैं वॉलेट में, वो भी लेट आने के कारण कि लेट आया, उनकी पॉलिसी होती है 30 मिनट्स में डिलीवर, नहीं तो फ्री। तो गैलरी आई भाग गई, ये उधर भगा ना वो भग गई, बोले वो गैलरी है ना ये उसकी तरफ भागेगा वो भग गई, भग गई और फिर भग गई। इसको ना बस एक ही प्रॉब्लम है, यहाँ खुला नहीं छोड़ सकते सब, नहीं मेरे लिए बस वही एक प्रॉब्लम होती है जब मैं इसे खुला नहीं छोड़ पाता, अगर मैं इसे यहाँ खुला छोड़ूँ तो मेरे लिए बहुत सेटिस्फाइंग है, घूमता रहे अपना। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है यार, तुझे किससे कर ली लड़कियाँ, देखो इसके हाथ पे किस करी है लड़की ने। Once more, once more, once more। कितना है, खुश हुआ तब से खुश हुआ फिरता है, पागल हुआ फिरता, किस कर दी मुझे, किस कर दी, कुछ इतना खुश होगा। हेलो कार चलानी है तुमने, चलो उधर रह गया थे
कि हम डैब को घुमा के घर आ गए थे, तो अभी मैंने इस वाले सोचा कुकीज़ बनाते हैं। ये देखो मैंने कुकी बनाई और कितनी ज़्यादा बड़ी बन गई है। ये देखो पिंकू जी ये स्टारबक्स में मिलती है, उससे भी बड़ी है। देखो कुकी मैंने क्या किया, मैंने ना इसको शेप दी जितनी शेप में मैं चाहता था, मैं भूल गया कि ये तो फैलती हैं, लेकिन देखो कितनी लजीज बहुत शानदार बनी हुई है। अभी क्या है ना, हमने अपने कुकबुक का जो बिज़नेस था, जो कि मॉडल हमारा स्विगी और जोमेटो मॉडल था, उसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करा, क्योंकि वो मॉडल के अंदर हम सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि हमें जाना होता है हमेशा ब्लॉगिंग के चक्कर में, कभी कहाँ कभी कहाँ। और एक मेरा बिज़नेस ऑलरेडी ऑटो मोड पे है तो मैं चला जाता हूँ, बट इसको अगर मैं खड़ा करने जाऊँगा रेस्टोरेंट बिज़नेस को, तो मेरी काफ़ी ज़्यादा मेहनत टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड होगा, और उसका जो रिज़ल्ट निकल के आएगा वो शायद इतना बड़ा नहीं हो जितना मुझे चाहिए। तो मैं अपने फूड के बिज़नेस को, माई फोटो प्रिंट के बिज़नेस को, दोनों को कंबाइन करके कुछ ऐसा निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करा है, उसी चक्कर में मैंने ये बनाया है। गुजी ये देखो कितनी बड़ी कुकी और कितनी मस्त बनी है, खा के देखो। खाओ, बहुत अच्छी बनी है, स्वाद है, टेस्टी है ना, करारा बन कितना बिक सकती है, बिक सकती है, ऑयल है थोड़ा, है ना, ऑयल थोड़ा कम कर देंगे, इतनी क्रिस्पी है, वाह, ऑयल है, नॉर्मल कुकी में ऑयल उस पे आता नहीं है, अंगूठों पे नहीं आता। डैड के लिए भी कुकी बनाएंगे, तो सारे फ्लेवर ऑलरेडी हमारे पास है, बट पैकिंग के लिए हैं, पहले हम डोस की कुकी बेचते होते हैं, ये द्वार से स्टार्ट करते हैं। यार पिंकू जी शेप मैंने बनाई थी हर्ट शेप, देखना क्या हो गया बिस्कुटों को, ये मैंने हर्ट शेप बनाई थी बिस्कुटों की, सारी खराब हो गई। हाँ हैं, हाँ सेम, नहीं उसने बटर डाला था, मैंने उसकी जगह मार्जरीन डाल दिया, मार्जरीन मैं आपको पहले भी खबर है, पूरे मतलब ना गोल, मैंने इसको ना हर्ट शेप दिया था, पूरा हर्ट लग रहा था, लेकिन ये ना जब फैल के ऐसे हो गए हैं, है स्वाद ऐसी बात नहीं है, पर मुझे हर्ट शेप ही चाहिए। मैंने जिंदगी में इतने प्रोडक्टों, इतने चीज़ों पे काम करा, इतनी चीज़ों पे, और इतनी ज़बरदस्त फेल हुई हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो भूल जाती हैं, जो सक्सेसफुल रहती हैं वो याद रहती हैं। हर दिन एक्सपेरिमेंट फेल होते हैं हमारे, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री ऐसी है बहुत जल्दी चेंज हो रही है, और मेरी हमारी इंडस्ट्री क्या, एवरी इंडस्ट्री चेंज सो फास्ट, जो नहीं ग्रैब करता बस वो रोता रहता है, जो ग्रैब कर लेता है उसकी एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं उसके लिए। तो जितनी हमने दाल दूल ज़्यादा खाई है ना, उतना ही हमने यहाँ पे आके तंग मचाया है। रोज़ पिज़्ज़ा, मैं तो रोज़ पिज़्ज़ा खा रहा हूँ यहाँ पे आके, दाल फुल्का खाने का दिल ही नहीं कर रहा, इतना ज़्यादा दाल फुल्का खाने का फुल्का बनता ही नहीं हमारे घर, तभी तो वहाँ ज़्यादा खा लिया हमने। तो आज फिर मैंने पिज़्ज़ा बना लिया है, थोड़ा अलग सा पिज़्ज़ा बनाया, डिफरेंट तरीके का। आजकल मेरा क्रेज चल रहा है इस बात पे कि कैरी, मैंने कहा मैंने टैटू बनवाना, कैरी नहीं बनवाना, बहस हो जा रही आखिरकार मैंने बनवाना ही है। तो फिर बहस करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना, तो तुम्हें मना रहा हूँ ना, ये फंस गया। यहाँ हमारा डैब भी आज काफी थक चुका है, काफी खेल के आया, जब से आया तब से सो ही रखा है, कभी यहाँ सोता है कभी वहाँ सोता है। तो बस आज के व्लॉग में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं जल्दी कल के व्लॉग में, कल नई नई चीज़ें करेंगे। हॉट एयर बलून आ चुका है गुड़गांव के अंदर, और भी वो जो ऐसे करके पता नहीं क्या होती है वो जो भी पैरासीलिंग पैराग्लाइडिंग उसको पता नहीं क्या ही कहते हैं, वो भी आ चुकी है दिल्ली में। एयरपोर्ट ऊपर हेलीकॉप्टर भी पता करा मैंने, जो दिल्ली में होता है दिल्ली दर्शन, वो भी मार्च में शायद चल सकता है। तो ऐसे काफ़ी हमारे अच्छे अच्छे प्लान्स हैं, आते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।